तो गाइस जस्ट मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो पर मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, जो कि काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग उस पर कंपोनेंट हमें देखने को मिल गए थे। उनमें से हमारा एक है यहाँ पर देख सकते हो गोल्ड 600 वाट का 12 वोल्ट का एम्पलीफायर। आप इसकी जो पावर है वो आप 30+30 यानी 60 वाट आराम से इस पर लोड दे सकते हो। चलो आज मैं आपको इसे टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, देखते हैं ये कैसा रहेगा। इसका अनबॉक्सिंग भी अभी हो जाने वाला है और ये कितने में पड़ा है वो भी मैं आपको उस वीडियो पर बता चुका हूँ, लेकिन टेंशन मतलब मैं लास्ट में ही बताऊंगा। चलो इस वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। ये बस यहाँ से कुछ इस तरीके से प्रेस करते हो ये खुल जाएगा। अरे ये तो खुला ही नहीं, चलो यहाँ से इसे खोलते हैं सावधानी से। देखो ये हमारा अनबॉक्स हो चुका है। अब इसकी पैकेजिंग जितनी खास है उससे ज़्यादा खास तो हमें यार लगना चाहिए, जैसे कि आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक पोटेंशियोमीटर देखने को मिलता है, जिससे हम इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं आपको पूरी वायरिंग बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में आपको टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूं। यहाँ पर देख सकते हो TPF 3110 का यहाँ पर लगा हुआ है ये IC। देखो सबसे पहले यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सॉकेट समय देखने को मिल जाते हैं। देखो सबसे पहले इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये हो जाता है हमारा V इनपुट और ग्राउंड, यानी कि सीधा समझो यहाँ पर हमें देना है इनपुट जो कि आएगा 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अब इसे कम वोल्टेज पर भी यूज करके देखेंगे, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। ये जो 3 सॉकेट है 1, 2, 3 यानी कि यहाँ पर 3 पिन लगते हैं, इस पर हमारे लग जाएंगे R, G और L का यानी पॉइंट, यानी कि यहाँ पर आपको सिंपली ऑक्स केबल का इनपुट दे सकते हो। मैं तो यहाँ पर पैनल को यूज करूंगा टेस्टिंग के टाइम पर, मैं आपको क्लियरली से बता दूंगा। ये 1 और ये 2 यानी कि ये 2 पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों पॉइंट किस लिए है, तो यहाँ पर ये R आउटपुट और L आउटपुट के लिए है, यानी सीधा समझो अगर आप ड्यूअल स्पीकर को यूज करना चाहते हो तो उस कंडीशन पर आप इसे यूज कर सकते हो। साथ ही इस पर कितना एम्पियर दे सकते हैं, तो मैक्सिमम मैं इस पर 3 एम्पियर का लोड दे सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर 15 एम्पियर का लोड देने वाला हूँ, क्योंकि काफी भाई ऐसे है ना जिनके पास वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं होता है, या उनके पास या तो 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होगा 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर 15 एम्पियर का ट्रांसफार्मर का यूज करूंगा। और अगर उससे ये चल जाता है समझ लो आप उससे नीचे की जितनी भी एम्पियर के ट्रांसफार्मर होंगे सभी से आप यूज कर सकते हो। एक मैं यहाँ ले रहा हूँ ब्लूटूथ पैनल जो कि USB वाला है, इको माइक इस पर देखने को मिलता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और इसे यूज करके भी देखेंगे। यहाँ पर ऑक्स केबल का हमें R, G और L का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये वाला वायर है, देख सकते हो ये वाली वायर है, तो इसे हमें डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करना है। चलो करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लो गाइस कि आखिरकार यहाँ पर जो स्पीकर्स का वायर है वो उसे मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया कि यहाँ पर एक 10 वाट का स्पीकर और एक यहाँ पर लगभग दिखाया जाए तो 8 वाट का स्पीकर मैंने कनेक्ट किया है, जबकि इस पर 30+30 वाट के 2 स्पीकर्स को हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम ज़्यादा लोड क्यों नहीं दे रहे अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी हम इससे पहले टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आएगी, और इनपुट अभी इस पर ज़्यादा देंगे, बड़ा स्पीकर रहेगा तो हो सकता है कि ये फूक जाए खराब हो जाए, बट कोई टेंशन नहीं है, आपके सामने तो सभी कुछ चेक करने वाले हैं आज। और देखो अभी तो सिर्फ एम्पलीफायर का जो कनेक्शन है उसे मैंने कंप्लीट किया है। अब देखो यहाँ पर V और ग्राउंड का जो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर हमें 12 वोल्ट इनपुट देना है, बट हमारा जो ये वाला जो पैनल है ये हमारा 5 वोल्ट पर वर्क करता है, L7805 का ये IC है, तो सीधा सा कनेक्शन यह आएगा कि हमारा जो 12 वोल्ट इस पर आएगा सेम वही 12 वोल्ट हमारा इस पर भी आएगा, और इसका जो आउटपुट जाएगा वो हमारे इसके मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। चलो इसे भी कनेक्ट करते हैं।
फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि आप जो हमारा पूरा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसे टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा, तो अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। बट यहाँ पर सबसे पहले हमें देखे तो हम आखिर इनपुट कितना देंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि 15 एम्पियर हम इस पर देने वाले हैं। ये है एक सीपीयू का एसएमपीएस जो कि है 6 एम्पियर का, जो कि 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट पर ये काम करता है। और अगर मैं आप दिखाऊं तो यहाँ पर देखो 12 वोल्ट जो है वो है 15 एम्पियर। आप सोचो कि यहाँ पर हम 15 एम्पियर देने वाले हैं जो कि 12 वोल्ट का ही है। अब 15 एम्पियर का अलग अलग यहाँ पर पिन आउट से वो मैं आपको बताता हूँ। देखो येलो वाला वायर जो है ये हमारा 12 वोल्ट का है और ग्राउंड के लिए ब्लैक है। ये हमने एक केबल बना दिया था जिससे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं साथ पर, क्योंकि अगर कुछ भी होता है शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो यहाँ पर ये वायर लूज हो जाएगा और तुरंत ये कनेक्शन को छोड़ देगा। मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, अब इसे मैं रखता हूँ दूर पर क्योंकि वायर थोड़ा छोटा पड़ जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर मैं इधर रख दे रहा हूँ, आपको सिर्फ वो दिखेगा पावर बैंक एसएमपीएस नहीं दिखेगा। ये देखो आप इसकी वोल्टेज देख सकते हो 12.1 के अप्रोक्स वोल्टेज हमारा आ रहा है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखो ये हमारा एसएमपीएस पावर सभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलो मैं इसे रख देता हूँ जिससे आपको क्लियरली से सभी सामान आपको दिख जाएंगे। बस इतना ज़्यादा तो इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ दिखा सकूँ, बट यहाँ पर हम टेस्ट करके देखते हैं। अभी आप देखो कि यहाँ पर जो हमारा पूरा सेटअप है वो तो कम्प्लीट हो ही चुका है। यहाँ पर 15 एम्पियर का जो एसएमपीएस है वो भी स्टार्ट है। वॉल्यूम को यहाँ पर करते हैं थोड़ा कम और अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है। यहाँ पर पॉजिटिव का वायर मैंने कनेक्ट किया हुआ आपको तो मैंने दिखा दिया था, अब यहाँ पर नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। ये देखो मैंने यहाँ पर नेगेटिव का पॉइंट कनेक्ट कर दिया है। अब आप बोलोगे भाई अभी तो हमें कोई भी यहाँ पर साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ब्लूटूथ से पेयरिंग करते हैं इसे। यहाँ पर आपके सामने मैं पेयर कर रहा हूँ, आप देख लो। ये देखो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है, BTH09 है इसका। अब चलो मैं आपको इसे वॉल्यूम को चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा कोई म्यूजिक ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपली म्यूजिक मैं ले चुका हूँ जो है NCS का म्यूजिक है। NCS का म्यूजिक हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो हिप हॉप का है, मैं इसे प्ले कर रहा हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया, साउंड नहीं सुन रहा सुनने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो बटन है इसे हम प्रेस करते हैं, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ाते हैं। देखो गाइस मैंने अभी यहाँ पर हाफ साउंड पर रखा है और इसकी जो यहाँ पर देख सकते हो वाइब्रेशन थ्रू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो। ये देखो और यहाँ से वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ से वॉल्यूम को मैंने फुल कर दिया है, अब यहाँ से पूरा फुल कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लो यहाँ पर मैंने पूरा फुल कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो वाइब्रेशन थ्रू है वो तो काफी अच्छा मुझे देखने को मिल गया है। बट यहाँ पर हम चेक करें जैसे कि यहाँ पर मैंने 8 वाट का सबवूफर मैंने लगाया है और एक मैंने यहाँ पर 10 वाट का स्पीकर लगाया, यानी टोटल पर देखा जाए तो अभी भी इस पर हमें लगभग 22 वाट तक के लोड हम दे सकते हैं और इस पर अभी भी हम 20 वाट का लोड दे सकते हैं। और अभी भी जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल भी नहीं फटता है, अच्छी तरह से यह साउंड चल रहा है। अब यहाँ पर मैं कोई ऐसा म्यूजिक ले लेता हूँ जो नॉन कॉपीराइट नहीं होगा, यानी कॉपीराइटेड वाला होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको क्योंकि चेक करने का वही तरीका है कि मैं आपको उस सेम म्यूजिक को मैं चेक करके आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर मैं कोई एक ढूंढ लेता हूँ जो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो म्यूजिक मैंने प्ले कर दिया है, थोड़ा पार करते हैं, आप इस साउंड क्यों सुन सकते हो, मैं उस सामने बोलता भी रहूँगा बार बार। मैं बार बार रोक क्यों रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइटेड का इशू ना पड़े। तो यहाँ पर देखो मैं आपको चेक करके दे रहा हूँ, यहाँ से साउंड को फुल कर दे रहे हैं, आप देखो। ये देखो गाइस यहाँ पर आप इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो सुन सकते हो, एकदम एक नंबर साउंड यहाँ पर हमको सुनने को मिल जा रहा है, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी भी है। और म्यूजिक अगर आप सुनना चाहते हो तो ये एम्पलीफायर आपके लिए बेस्ट होगा, साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं अपने तरफ से खुद आपको बता दे रहा हूँ। Thank you.
तो गाइस अब मैंने आपको इसे पूरा चेक करके दिखा दिया है। आप चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देता हो। मैं सब्सक्राइब करूँ यार? आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और जितने भी मैंने रिव्यू सभी किए हैं मेकर बाजार से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी का एक एक करके रिव्यू आपके सामने आने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट कैसा काम करता है, और भी काफी सारे मैंने कंपोनेंट उसे परचेस किए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है इसे प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या ज्वाइनिंग भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको अमेजिंग वीडियोस अलग से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट पर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और सभी सोशल मीडिया पर मैं अवेलेबल हूँ, कहीं पर भी जाकर मुझे कॉमेंट करोगे तो मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।